इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर शहर के एरोड्रोम थाना क्षेत्र में हुई पिछले दिनों हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही उसके 3 नाबालिग साथियों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया। हत्या के इस मामले में फरार चल रही एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एरोड्रोम थाना क्षेत्र में लखनऊ से आए तौफीक अहमद की क्षेत्र में रहने वाले अंश यादव एवं उसके नाबालिग साथियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बारे में घटनास्थल से गुजर रहे एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। महज 6 घंटे में ही पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे एक महिला का हाथ था। महिला देवास की रहने वाली है, जिसके अंश यादव से भी संबंध है, और लखनऊ के रहने वाले तौफीक अहमद से उसकी सोशल नेटवर्किंग के जरिए दोस्ती हुई थी। वहीं अब तक की छानबीन में पुलिस को पता चला है कि महिला के तौफीक से भी गहरे संबंध थे, लेकिन महिला तौफीक से अपने संबंध विच्छेद करना चाहती थी, लेकिन तौफीक द्वारा महिला को परेशान किया जाने लगा। महिला ने आखिर में अंश यादव के साथ मिलकर एक योजना बनाई और तौफीक को लखनऊ से इंदौर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कहानी के बारे में महिला से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने तौफीक को इंदौर क्यों बुलाया और इस पूरी वारदात में उसकी क्या भूमिका रही। अभी जो थाना एरोड्रम में विगत दिनों एक हत्या का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें एक महिला को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, उससे विधिवत इंटरोगेशन किया जा रहा है। इससे इस पूरे घटनाक्रम का जो मोटिव है वो हमें क्लियर हो पाएगा, और थाना एरोड्रम में ये विवेचना जो है बहुत गंभीरता के साथ की जा रही है। सर, महिला की सर कुछ तो भी बताएंगे कि वो बेसिकली इंदौर की रहने वाली है या सुनने वाला था कि वो देवास की है, अन्य जिले की कहीं? हाँ, महिला जो है वो देवास जिले की है, और उसका जो आरोपी और मृतक के साथ जो भी लिंकेजेस हैं वो हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और घटना की पृष्ठभूमि और किस तरीके से घटना कारित हुई है इस पूरे तथ्यों को हम लोग वेरीफाई करें। We'll be right back.